फ्रेंड्स, वेलकम टू आविदास किचन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ मेरे सभी व्यूवर्स हैप्पी और हेल्दी होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक सी दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं लाला मूसा दाल। ये पाकिस्तान में एक सिटी है, पंजाब में, बेसिकली वहाँ की फेमस दाल है। ये कहते हैं कि इतनी फेमस और इतनी डिलीशियस है कि वहाँ के लोग नॉनवेज से ज़्यादा इस दाल को खाना पसंद करते हैं। और बिलीव इट गाइस, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ बनके तैयार होती है, लेकिन जब ये बनके तैयार होती है ना, तो यकीन नहीं होता कि इतनी सिंपल दाल इतनी डिलीशियस बन सकती है। जी हाँ, जिसकी मैं इतनी तारीफ़ कर रही हूँ। तो चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं, और आप यकीन नहीं करेंगे, ये दाल बहुत ही डिलीशियस और यूनिक तो है ही, साथ में फटाफट से बनके तैयार होती है। तो क्या है और कैसे इसे बनाना है, चलिए फिर फटाफट से देख लेते हैं। तो देखिए गाइस, देखने में ही कितनी यमी और डिलीशियस लग रही है ना ये दाल। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने तीन तरह की दाल ली, जिसमें चना दाल है, मसूर दाल है और ये धुली हुई उड़द दाल है। इन सबको रात भर सूख करके रखा है मैंने, और अब एक कुकर ले लेंगे हम, और उसमें इन दालों को हमने उबलने के लिए रखना है। तो जैसा आप देख सकते हैं, चना दाल की क्वांटिटी हमारी ज़्यादा है, उससे आधी है उड़द दाल और उससे आधी है हमारी मसूर दाल। प्रॉपर क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। तो इसमें अब हमने पानी डालना है। अमूमन आप दाल में 10 गुना पानी डाल के बॉईल करते हैं, लेकिन हमें इसमें सिर्फ उसके 2 गुना पानी डालना है। तो यहाँ पे मैंने 3 कप पानी और 1/2 कप पानी एक्स्ट्रा डाला है, वो इसलिए कि हमें इस दाल को उबालना है। जी हाँ, जब हम उबालेंगे तो दाल का जो पानी है वो थोड़ा सा उड़ेगा भी, तो इसलिए 1/2 कप पानी एक्स्ट्रा डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, नमक बिल्कुल 1/2 टीस्पून डाला है, और हल्दी और मिर्ची दोनों को भी 1/4 टीस्पून, यानी बहुत ही हल्का सा डालना है हमें, क्योंकि इसमें हल्दी और मिर्ची का कलर ज़्यादा नहीं आता है। तो जैसा आप देख सकते हैं, दाल हमारी उबल चुकी है, तो इसके ऊपर ये जो झाग आ रहा है ना, हमें ये निकाल के अलग कर देना है। तो वो जो 1/2 कप पानी हमने एक्स्ट्रा डाला था ना, वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। तो ऑल टोटल 3 कप पानी हमने इसमें डाला है दाल में। तो अब हम इसमें सीटी लगा लेंगे, 15 मिनट कुक करना है, या फिर 3 से 4 सीटी लगानी है। अब हम इसके लिए एक मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने काली मिर्च ली है और जीरा लिया है। इन्हें हमें बिना तेल या घी के रोस्ट कर लेना है। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये अच्छे से रोस्ट होना शुरू हुआ है। तो लास्ट में हम इसमें डालेंगे नमक। नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे, यानी कि जितना दाल में नमक डालना है एक्स्ट्रा, अब वो हमने यहीं पे डाल देना है। तो इसे भून लेंगे हम करीब 1 मिनट में। ये हमारा मसाला भून के तैयार है, ये देखिए। तो गैस का फ्लेम हम ऑफ कर लेंगे, और हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पे पानी डाल के 1/2 कप मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, और अब हम इसको छान लेंगे, क्योंकि हमें इस मसाले का सिर्फ पानी चाहिए, मोटा मोटा मसाला हमें नहीं चाहिए। तो ये देखिए, मैंने इसे छान लिया है। तो अभी हम इसे साइड में रखते हैं और तैयारी करते हैं तड़के की। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है। तो ये कढ़ाई में मैंने डालना है 2 टेबलस्पून भर के ऑयल, और 2 टेबलस्पून भर के हमने डाल देना है देसी घी। वैसे तो ये पूरी की पूरी देसी घी में बनती है दाल, इसकी खासियत ही देसी घी होता है, पर हम यहाँ पे मिक्स करके भी चला सकते हैं काम। तो यहाँ पे हमने ब्राउन अनियन करनी है, जिसके लिए 1/2 अनियन को मैंने ऐसे स्लाइस में काट लिया है, और अब हम इसे ब्राउन कर लेना है। तो ये देखिए, अनियन हमारी ब्राउन हो गई है, तो अब हम इसको निकाल लेंगे। तो चलिए इसमें तड़का लगाएंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने 1 प्याज को अच्छे से बारीक काट के ले लिया है, और हमें इसे हल्का गुलाबी होने तक भून लेना है। तो ये देखिए, प्याज हमारा हल्का हल्का गुलाबी हो गया है। तो अब हम इसमें लहसुन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून भर के लहसुन लिया है। इसमें लहसुन थोड़ा ज़्यादा डलता है, और हमें इसे 1/2 प्याज फ्राई होने के बाद इसलिए डालना है, ताकि जो लहसुन का क्रंच है ना, वो बना रहे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि दाल जो है हमारी अच्छे से बॉईल हो गई है, और देख सकते हैं आप, पानी भी बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। और ये देखिए, चने की जो दाल है वो बहुत ही अच्छे से गल गई है, लेकिन घुटी नहीं है। तो बाकी का काम हम कढ़ाई में करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो अनियंस हैं, ये काफ़ी अच्छे से ब्राउन हो गई हैं, ये देखिए। तो अब हम इसमें दाल को ऐड कर देंगे, और अब हमें दाल की भुनाई करनी है। जी हाँ, इसमें दाल की भुनाई बहुत ही इम्पॉर्टेंट है गाइज़,
ये जो दाल होती है ये और दालों से इसीलिए यूनिक होती है क्योंकि इसको बनाने का तरीका ही यही है। इसे घोट घोट के अच्छे से भून भून के बनाया जाता है, देसी घी डाल डाल के। मतलब लाला मूसा दाल की वीडियोस या आप पिक्चर्स देखेंगे तो जो दाल की है तो आप देखेंगे कि देसी घी ना ऊपर तैर रहा होता है। बट घर में क्योंकि आजकल हम सब हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं तो थोड़ा कम घी में हम इसमें काम चलाएंगे। और अब हम ये जो हमने मसाले का पानी तैयार किया था वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसे अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये देखिए मैजिक, दाल का कलर ही चेंज हो गया। देखिए कितना बेहतरीन कलर आया। और अभी तो ये दाल और घुटेगी और भुनेगी, उसके बाद आप इसका कलर और टेक्सचर देखिएगा, बहुत ही बढ़िया आने वाला है। तो हमें इसे करीब 10 मिनट के लिए इस तरह पकाना है या जब तक इस तरह से इसके ऊपर हमें ऑयल ना दिखने लगे तब तक पकाना है। तो दाल हमारी रेडी हो गई है, इसके ऊपर डालेंगे हरा धनिया और यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने देसी घी अच्छे से गर्म करके इस पे डाला है। इसे ढक देंगे 2 मिनट के लिए और 2 मिनट के बाद ये देखिए 2 मिनट के बाद हमारी जो दाल है बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार हुई है। इसके ऊपर डाल देंगे ब्राउन अनियंस और इसे हम सर्व करेंगे। तो देखा ना आपने, बहुत ही सिंपल दाल थी, इतनी डिलीशियस बनके तैयार होती है। मेरे कहने से आप एक बार इस दाल को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल भी तामझाम नहीं है, कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट ही नहीं है इसमें, लेकिन जब आप इसको खाएंगे ना तो आप कहेंगे कि वाओ, ये हमने तो पहले क्यों नहीं ट्राई की। मतलब लाला मूसा तो हम सब नहीं जा सकते लेकिन अपने घर में तो हम इस दाल को बनाकर ज़रूर खा सकते हैं ना। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये दाल कैसी लगी। और अगर वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा गाइस। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज आपको मिलती रहें। मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।